अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा चल रहा है आपका रमजान? रमजान आप सबको एक दफा फिर से बहुत बहुत मुबारक। मेरे जो व्लॉग्स हैं वो थोड़े से लेट हो जाते हैं, लेकिन आएंगे जरूर इंशाल्लाह। मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ और बच्चों के साथ इतना ज्यादा व्लॉग बनाना, इसको मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। चलें जी, अल्लाह का नाम लेकर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ वाला बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। रमजान में रूटीन इतनी टफ हो जाती है कि मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं कैसे हैंडल करूं। और जो है ना सहरी का टाइम, उस टाइम पे बच्चों को उठाना, उठाते उठाते जो है ना मेरा टाइम काफी सारा आउट हो जाता है। सहरी तो मैंने बनाई होती है, लेकिन साथ साथ मैं बच्चों को भी उठा रही होती हूँ। इस वजह से जो है ना सहरी की जो रिकॉर्ड है, वीडियो है, वो रिकॉर्ड नहीं मैं कर सकती जल्दी जल्दी से। वीडियो रिकॉर्ड तकरीबन होती ही नहीं है। और मेरी सहरी की रूटीन जो है वो तकरीबन नॉर्मल ही होती है। मैंने सोचा तो था कि मैं नए नए किस्म के ऑमलेट बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन पता नहीं क्या है, मैदा इतना डिस्टर्ब हो गया है, जो है हेल्थ वो खराब हो रही है, और जो पेट में दर्द हो रही है, इतनी ड्राइनेस हो रही है। तो अंडे से ज्यादा बात है, ऑमलेट बनना तो ज्यादा अंडा जो है ना वो अवॉइड करना शुरू कर दिया। अभी के टाइम पे मैं कोई सालाना बनाऊ, मुझे जी कहा गया हो जी सालाना आज नहीं बनाना, आज हम लोगों ने सुबह सहरी में फला फला चीज खानी, देन मैं सालन नहीं बनाती और कोई ऑमलेट वगैरह बन जाता है, या सुबह जो है वो चाय पराठा शौक से खाता है। मेरे हस्बैंड भी चाय पराठा शौक से खाते हैं। अपनी बात करूँ तो मैं ब्रेड भी खा लेती हूँ और सिंपल भी खा लेती हूँ और सादी रोटी भी खा लेती हूँ, पराठा भी खा लेती हूँ। मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं एडजस्ट करने वाली हूँ। इवन के राइस हो तो मैं राइस भी खाती हूँ, और जिस दिन सालन हो दिन ऑमलेट नहीं बनाती। और थोड़ा सा हमारा सहरी में बनना होता है, इसलिए जो है ना उस टाइम पे वैसे भी मेरा दिल होता है कि मैं कुरान पाक पढ़ूँ ज्यादा से ज्यादा, और फिर एकदम से टाइम का पता ही नहीं चलता। जारी बात है, जब सुबह के टाइम वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो देन कम से कम एक घंटा पहले जो है ना वो आपको किचन में आके जो है ना वीडियो वगैरह शुरू करनी पड़ती है, और मेरे पास इतना कम टाइम होता है। और सब अब आप यही कहेंगे कि हर टाइम यही कहती है मैं मसरूफ हूँ, मेरे पास टाइम कम है, तो जाहिर बात है मेरे 3 बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, उनको हैंडल करना, और जागते रहते हैं। सफ़ा तो कभी सो जाती है, कभी सफ़ा भी जागती है, और सुबहान शयान का तो समझ ही नहीं आती, कभी वो दोनों जागते हैं, कभी एक जागता है एक सो जाता है। तो ये सारी बातें शरारतें करते हैं, और मुझे कुरान पाक पढ़ने वक्त भी मामा हमें भी पढ़ा दें, आप सिपारा आप खुद पढ़िए तो हम भी पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से जो ना सहरी रूटीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, और मेरा मैं इतनी थक जाती हूँ, सारी बात है मैं सारी रात जागी होती हूँ। कभी कभी होता है कि मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो तो मैं इफ्तारी के बाद जो है ना वो घंटा डेढ़ घंटा सो जाऊँ, वरना मैं सोती नहीं, और मैं सहरी के बाद सोती हूँ। और जो रही बात अफ्तारी की, उस टाइम पे मैं छोटे छोटे से क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि मैं शेयर कर सकूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कि मैंने आज अफ्तारी में क्या बनाया, क्या खाया। और रेसिपी की बात रही, रेसिपीज जो है ये सारी नॉर्मल है, ये यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लोगों ने बनाई हुई है यही रेसिपीज, पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ और ये सब थी, सब कुछ जो है ना ये ऑलरेडी यूट्यूब के इतना ऊपर जो है ना मटेरियल पड़ा हुआ है। तो सो इसकी रेसिपीज जो है ना वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, वो आप वैसे भी कहीं ना कहीं से ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकूँ कि मैंने जो भी चीज़ बना रही हूँ मैं अपने तरीके से कैसे बना रही हूँ। आज मेरा अब ये जो व्लॉग है ये आपको उस दिन मिलेगा, 2-3 दिन रमज़ान के 3-4 रमज़ान रोज़े गुजर चुके होंगे तभी मिलेगा, क्योंकि मेरे से इतनी ज़्यादा एडिटिंग करना मुश्किल हो जाती है, और जब तक ये वीडियो आएगी 3-4 रोज़े गुजर चुके होंगे। चले जी, अब आज का व्लॉग शुरू करते हैं, जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पढ़ने लगी हूँ असर की नमाज़, और इसके बाद जो है ना वो मैं इफ्तारी की तैयारी करूँगी, और मैं क्या बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैठा है सुबहान। तुम्हारी गर्मी आ गई, तुमने हाँ बाजू की शर्ट पहननी है, गर्मी लग रही है। ये जो सोफे की कवर खराब कर दी है ना सुबहान तुमने, ये सही करो जल्दी से, जल्दी से इसको सही करो। इधर देखा जा रहा है कंप्यूटर, बल्कि कंप्यूटर कह सकते हैं, टीवी कह सकते हैं, हमारा टीवी और कंप्यूटर एक ही चीज है। डायनासोर की मूवी लगा के बैठे हैं, और ये बैठा है शयान एज यूजुअल बिखरे बालों के साथ, इसके बाल कभी कंघी नहीं होते। ये क्या कर रही हो? काम कर रही हो? क्या सफाई की है आज? फर्स्ट टाइम इसने किया है, यहाँ पे सारी चीजें बिखरी पड़ी थी, ये वाला सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा था, और सफा ने सारा कुछ साफ कर दिया। अब इसके ऊपर कपड़ा मारना रहता है, और अभी ये कपड़ा भी इसके ऊपर मारेगी। मामा ने सफा की हेल्प की है, और ये कम्बल को हमने फोल्ड कर लिया है। क्या कह रही थी अभी, सारा काम किया है? हाँ, कौन सा काम करना है? मैंने बैक करना है।
बेड तो, अच्छा बेड तो सारा सिमटा हुआ है, बेड का क्या सिमटना है आपने? अच्छा वाला आप ऐसा करें किचन में आए और मेरे साथ कुकिंग कराए। चलो ठीक है। मैं बनाने लगी हूँ कटलेट्स। आलू और चिकन मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। मैंने चिकन के चार तकरीबन पीसेस लिए थे, 4 से 5 पीसेस, यानी कि 4 से 5 बोटियाँ ली थी, और साथ में आलू जो वो मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया पानी में बॉयल होने के लिए। और ये है ब्रेड, और ब्रेड के साथ मैं आज बनाऊँ, ब्रेड के साथ जो है वो मैं इसके बॉल बनाऊंगी, कटलेट्स बॉल। मैं बना रही हूँ माश और मसूर की दाल, मूंगी मसूर की दाल, मूंगी की दाल और मसूर की दाल, जो कि बड़ी मज़े की दाल बनती है। इसके बाद इसके अंदर तड़का लगाऊंगी। अभी मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं और इसका मैं तड़का बनाऊंगी, और अफ्तारी के बाद जो है इसके सामने व्हाइट चावल बनाऊंगी जिसने भी खाने होंगे। दाल हमारी पक चुकी है और इसको जो तड़का है ना वो अफ्तारी के बाद मैं लगाऊंगी। हमारे कटलेट्स बॉल तैयार हो गए हैं, इसके अंदर ही वो सारा मटेरियल पड़ा था, मैंने ये भी इसके अंदर रख दिया। और कुछ ये है, कुछ जो है वो हमारे इसके अंदर है, कढ़ाई में मैंने डाल दी, और इसकी शक्ल इतनी प्यारी लग रही है। बन रहे हैं हमारे कटलेट्स, और मैंने ब्रेड जो है वो वेट करके उसके अंदर इसको रोल किया, ये बॉल बन गए हैं। या हमारे जी पकौड़े भी थे। पॉपकॉर्न्स बच्चों के लिए अफ्तारी के बाद, टाइम तकरीबन 9 बज गए हैं और बच्चे अब कुछ नई चीज़ खाने को मांग रहे हैं। अब सब कुछ हजम हो गया, 6 बजे तो रोज़ा खुल जाता, 6:10-15 तक समथिंग। तो जी जो पॉपकॉर्न्स मैंने डाल दिए, उसमें नमक डाल दिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब जी ये पकने के लिए रख रहे हैं, अभी थोड़ी सी देर में टन 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 की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। और मैं इधर आपको बच्चों का हाल दिखाती हूँ, इन्होंने कोई हाल नहीं छोड़ा यहाँ पे, इनको एक ही काम है, जब कुछ नहीं आता तो बस फिर ये टॉयज का हशर नशर और टॉयज के साथ खेलना। और ये पीछे सुभान साहब अपनी मनपसंद गेम की वीडियो जो है वो लगा के देख रहे हैं। उधर जो इतने सारे शापर नज़र आ रहे हैं वो उसके अंदर मैंने डाल के ये टॉयज छुपाए हुए थे, इतना गंद मच जाता है कि मेरे लिए हैंडल करना और उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और सफाई यहाँ पे लगी, कभी टॉयज के साथ, कभी ये इसने ना स्टिकर्स कहीं से कोई स्टिकर उतारा और उसके साथ खेल रही है। शयान ने यहाँ पे इतनी मजे की ये चीज बनाई हुई है। सुभान बेटे आप वॉइस आहिस्ता कर लें, आप वॉइस आहिस्ता कर लें, आपको पता भी चल रहा है कि मैं ना वीडियो बना रही हूँ, आपने इतनी ऊंची वॉइस की हुई है। चले जी आवाजें शुरू हो गई है, टन 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 टन। पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं और बड़े मजे के लग रहे हैं, भी आई अब खाने। वैसे उठ रही भी थी, पॉपकॉर्न का नाम सुनकर फौरन आ गया। ये आई है हमें इतनी मजेदार सी खजूरें, फुल पैकेट भरा हुआ था, और अभी मैंने और हस्बैंड ने बैठ के ना इसमें से थोड़ी सी खजूरें खा ली। मैं समझी खुद लेकर आए हैं, तो ये अचानक से कहते हैं कि नहीं ये मुझे गिफ्ट मिला था, और ये काफी सारी खजूरें, और ये खजूरें जो है भी बहुत ज्यादा मीठी, बहुत ही मीठी, देखने में लग रहा होगा जैसे सूखी सूखी है लेकिन सूखी नहीं है, ये बहुत ज्यादा मीठी है। मेरे हस्बैंड ने पकड़ी हुई है और मैं खा रही हूँ इनके साथ, ये देखे। और ये टाइम जो है ना रात का 1:30 बजा हुआ है, कोई ये ना समझे रोजा रख के मैं खा रही हूँ। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, इतना मैंने 6-7 कैप्चर किया है तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि मैंने सारा दिन में बनाया है, और जो मैंने इफ्तार में बनाया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में और नई रेसिपीज़ के साथ, नई चीज़ों के साथ, कि मैं नए रोज़े में नया क्या बनाती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कुछ नया ट्राई करूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा ही होता है कि मैं बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है। और रमज़ान की रूटीन मज़े की भी है और टफ भी है, क्योंकि हमने हमारा एक टारगेट इसके अंदर सेट होता है कि हमने जो कुरान पाक है वो मैक्सिमम पढ़ना है, अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार मैक्सिमम करना, और इसके साथ साथ और काम इतने निकल जाते हैं और इतने काम निकल आते हैं कि पता भी नहीं चलता, और बाज़ार का चक्कर भी लगना होता है। और अभी तक मैंने, मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं ईद की शॉपिंग जो है वो रमज़ान से पहले करूं, इवन के जो मेरी अम्मी हैं वो भी हम लोगों के लिए ऐसे ही करती थी, लेकिन अब जो है टाइम भी शॉर्ट है और कुछ हालात ऐसे हैं कि ईद से पहले जो है ना मैं करने शॉपिंग करने बच्चों की जा ही नहीं पाती हूँ।
तो अब जिस दिन जाऊंगी बच्चों की शॉपिंग करने, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी वो भी। और बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट होती है रोज़ों की सहर, और यही चीज़ पे ना कि हम नई नई चीज़ें बनेंगी। लेकिन नई नई चीज़ें नॉर्मल रूटीन में भी खाते हैं, लेकिन रमज़ान का एक ऐसा सिस्टम है कि एक ऐसा शेड्यूल बन चुका होता है कि वो बड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। सुबह को उठना, आप बड़े एनर्जेटिक होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जाते हैं, बाहर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो खैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।